ब्याह का विरोध, पप्पू को पड़ा भारी, पत्नी के आशिक ने कर दी हत्या। पिछले 6 अगस्त की रात में तकरीबन 8:15 पर बुधनपुरवा निवासी पप्पू पटवारी की हत्या का खुलासा कर दिया गया है। मामले में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों से पूछताछ में ये ज्ञात हुआ कि हत्या की ये वारदात प्रेम प्रसंग में अंजाम दी गई है। मृतक की पत्नी का प्रेम प्रसंग एक युवक से चल रहा था। युवक ने अपने भाई एवं अन्य युवक के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। गिरफ्तार अभियुक्तों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए जेल भेज दिया गया। मामले में प्रेस वार्ता करते हुए एसपी नीरज कुमार सिंह ने बताया कि घटना प्रेम प्रसंग में अंजाम दी गई थी। पप्पू पटवारी की पत्नी का प्रेम सन्नी वर्मा नामक एक युवक से था। ये बात पप्पू को पता चल गई थी, जिसके बाद पप्पू ने उन्हें सुधारने को कहा, लेकिन दोनों नहीं माने और सन्नी ने पप्पू की हत्या की योजना बनाई। हत्या को अंजाम देने के लिए सुपारी किलर की तलाश की जाने लगी, लेकिन जब सुपारी किलर नहीं मिला तो सन्नी वर्मा ने उसके भाई पप्पू तथा एक अन्य व्यक्ति सूरज वर्मा के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से घटना में इस्तेमाल की गई ग्लैमर मोटरसाइकिल तथा 4 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। अभियुक्तों ने बताया कि घटना में इस्तेमाल किया गया पिस्टल इन लोगों के द्वारा शांति नगर के समीप नहर में फेंक दिया गया, जिसे पुलिस तलाश रही है। तो पत्नी की क्या भूमिका इस पर अभी हम लोग अनुसंधान में कर रहे हैं, लेकिन इतना तय है कि उनका जो दोस्त है सन्नी वर्मा, उसके द्वारा अपने भाई और अपने दोस्तों के साथ मिलकर हत्या कराया गया। पत्नी की क्या भूमिका है इस पर जो कि हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, लेकिन अभी तक के अनुसंधान में पत्नी की भूमिका भी नहीं आई है, इसको स्पष्ट हम कर दें। बाकी इन तीनों की भूमिका और इन तीनों की भूमिका का जो तकनीकी है वो भी और जो मैनुअल है वो भी, दोनों जो है कि चीज़ हम लोगों को जो है कि साक्ष्य जो है कि हम लोगों के पास है, जिसको हम लोग अपने माननीय न्यायालय के समक्ष।